दोस्तों, आज की इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मेरे महबूब सनम कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि वो कहानी शाम को मैं अपलोड करूंगी अपने दूसरे चैनल अंश स्टोरीज़ पर। वहां पर इस कहानी का दूसरा चैप्टर भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग प्लीज़ सर्च करके मेरे महबूब सनम कहानी के दूसरे चैप्टर को सुन सकते हैं और यहाँ पर इस कहानी का आनंद लीजिए। यह कहानी बहुत ही प्यारी है। प्लीज़ आप लोग इस कहानी को अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए। चलिए अब इस कहानी को मैं आगे आप लोगों को सुनाती हूँ। ये कहानी है नंदनी की, जो कि एक मासूम सी लड़की है जो सही गलत के बीच फर्क नहीं जानती है। राधे श्याम, ये है नंदनी के पिताजी, जो नंदनी से प्यार तो करते हैं पर कभी जताते नहीं हैं। इनके गाँव में खूब चलती है, काफ़ी मेहनती हैं और उसी के बल पर इन्होंने काफ़ी नाम कमाया और गांव में बहुत बड़ा घर बनवाया, जो कि इनकी बेटी नंदनी के नाम पर है। नंदनी के 2 साल के होने के बाद ही उसकी मां सुमित्रा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नंदनी के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। सुनंदा, ये है नंदनी की सौतेली माँ, जिसने नंदनी को कभी घर से निकलना तो दूर, कभी झांकने भी नहीं दिया। इन्होंने नंदनी को 2 साल की उम्र से ही घर में कैद कर रखा है, कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की। इनकी नज़र हमेशा से ही नंदनी के नाम पर उस घर पर है जो कि नंदनी का है, पर इस बात को नहीं समझती है, ना ही ये बात जानती है। विक्रम, यह है नंदनी का सौतेला छोटा भाई, जिसे नंदनी एक आँख नहीं भाती। वही नंदनी इनकी बहुत इज्जत करती हैं पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये थे कहानी के मुख्य किरदार। बाकी किरदारों से आप कहानी में आगे मिलते रहेंगे। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। प्लीज़ आप लोग कहानी को अपना प्यार दीजिएगा। हमें उम्मीद है कहानी आपको पसंद आएगी। नंदनी 10 वर्ष की हो चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी हुई कागज़ के एक पन्ने पर कुछ बना रही थी कि तभी रानी काकी वहाँ आती हैं। रानी काकी घर की एक नौकरानी थी जो नंदनी से बहुत प्यार करती थी। नंदनी की देखभाल हमेशा से इन्होंने ही की थी। वो नंदनी के पास आती हैं और कहती हैं, अरे ये आप क्या कर रही हैं नंदनी? नंदनी कहती है, हम एक चित्र बना रहे हैं, ये देखिए सुंदर है ना? रानी काकी कहती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, ये कहाँ से सीखा आपने? नंदनी कहती है, ये हमने राधिका से सीखा, उसको उसकी गुरु माँ ने सिखाया। राधिका नंदनी की बहुत अच्छी सहेली थी, जो नंदनी को बहुत प्यार करती और समझती भी थी। वो नंदनी से 2 साल बड़ी थी। राधिका जो भी देखती और सीखती वो सब नंदनी को बताती। दोनों एक साथ नंदनी के घर पर ही खेलती थी। रानी काकी और नंदनी बात कर ही रही थी कि नंदनी की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है और नंदनी के हाथ से वो चित्र जो उसने बनाया था वो फाड़कर फेंक देती है और जलती हुई निगाहों से नंदनी को घूरती है। नंदनी ये देखकर रोने लग जाती है। तब नंदनी की माँ कहती है, ये क्या कर रही थी तुम? कितनी बार कहा है कि हमें तुम्हारा ये चित्र बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी ये बनाती रहती है। नंदनी रोते हुए कहती है, हमें चित्र बनाना अच्छा लगता है माँ, हमने बहुत सुंदर चित्र बनाया था, आपको भी अच्छा लगता पर आपने देखा ही नहीं और फाड़ दिया। नंदनी ये कहकर ज़ोर से रोने लगती है, जो देखकर उसकी माँ को और गुस्सा आ जाता है और उसे थप्पड़ मार देती है। रानी काकी ये देखकर नंदनी पर उनको दया आ जाती है पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। माँ कहती है, एक जो काम हमें पसंद नहीं वो करती है और ऊपर से जुबान भी लड़ा रही है, अगर आइंदा ऐसा किया तो तुझे खाना भी नहीं दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। नंदनी रानी काकी के गले लगकर जोर जोर से रोती रहती है। रानी काकी भी रो रही थी। रोते रोते नंदनी को नींद आ गई और वो सो गई। रानी काकी ने उसे सही से सुलाया और उसके माथे को चूम कर बाहर आ गई। शाम को नंदनी जब उठी तो उसके बाद वो अपने कमरे से बाहर आती है। वो नीचे जाती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो उसके पिताजी की आवाज़ थी। वो किसी से हंस हंस कर बात कर रहे थे। नंदनी छुप कर देखती है, उसके पिताजी अपने दोस्त से बात कर रहे थे।
नंदनी ये देख ही रही थी कि उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़का नंदनी से थोड़ा बड़ा था, करीब 12 वर्ष का। वो भी नंदनी की तरफ देख रहा था। नंदनी उसे देखकर मुस्कुरा देती है, वो लड़का भी ये देखकर मुस्कुरा देता है। नंदनी उसे अपने पास आने का इशारा करती है, वो लड़का वो देखकर उसके पास आ जाता है। नंदनी उसे लेकर अपने कमरे में जाती है, लड़का भी उसके पीछे चल देता है। वो दोनों कमरे में एक दूसरे के सामने खड़े थे। तब नंदनी उसे घूरती है और कहती है, आप कौन हो और मेरे घर पर क्या कर रहे हो? लड़का कहता है, मैं मेरे पिताजी के साथ आया हूँ, ये उनके दोस्त का घर है। फिर नंदनी कहती है, आपका नाम क्या है? लड़का कहता है, मेरा नाम हर्षित है। ये तुम्हारा कमरा है? नंदनी कहती है, हाँ ये हमारा कमरा है। अच्छा है ना? हर्षित कहता है, हाँ बहुत, पर मेरे कमरे से बड़ा और सुंदर नहीं है। नंदनी कहती है, अच्छा हमसे ऐसे बात मत करो, नहीं तो। हर्षित कहता है, नहीं तो क्या? नंदनी कहती है, नहीं तो पता नहीं। हर्षित कहता है, तुम्हारा नाम क्या है और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? नंदनी कहती है, हमारा नाम नंदनी है और हमने आपको अपने साथ खेलने के लिए बुलाया है, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे? हर्षित कहता है, अगर मैं नहीं खेलना चाहूँ तो? नंदनी मुंह बनाते हुए, बड़ी अकड़ दिखा रहे हो, या तो हमारे साथ खेलो, नहीं तो हम तुम्हें भगा देंगे हमारे घर से। हर्षित कहता है, हम एक शर्त पर खेलेंगे तुम्हारे साथ। नंदनी कहती है, और वो क्या? हर्षित कहता है, तुम्हें हमारी दोस्त बनना पड़ेगा, तभी हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। नंदनी सोचते हुए कहती है, ठीक है। नंदनी और हर्षित दोनों थोड़ी ही देर में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नंदनी खेलते खेलते गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। हर्षित ये देखकर डर जाता है। नंदनी रोने लगती है, जो देखकर हर्षित को बहुत बुरा लगता है। हर्षित नंदनी को गले से लगा लेता है और सिर सहलाने लगता है। थोड़ी देर में नंदनी चुप हो जाती है। नंदनी को अभी भी थोड़ा थोड़ा पैर में दर्द हो रहा था। हर्षित कहता है, तुम चिंता मत करो नंदनी, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। नंदनी मासूमियत से कहती है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं तो कभी खेल नहीं पाऊंगी। हर्षित मुस्कुराते हुए कहता है, तुम तो छोटे बच्चे के जैसे रो रही हो। मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूँगा। हर्षित नंदनी के पैर को प्यार से सहलाने लगता है और थोड़ी देर में नंदनी का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। नंदनी खुश होते हुए कहती है, अरे मैं तो ठीक हो गई, अब मैं फिर से खेल सकती हूँ ना। आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे ठीक कह दिया। हर्षित कहता है, हाँ तुम भी बहुत अच्छी हो। नंदनी कहती है, क्या आप हमेशा के लिए मेरे घर आए हैं? आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? हर्षित कहता है, नहीं हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं, हम पिताजी के साथ थोड़ी देर में चले जाएंगे। नंदनी मासूमियत से कहती है, इसका मतलब आप फिर कभी नहीं आएंगे? हर्षित कहता है, आऊँगा जब तुम कहोगी। नंदनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी नंदनी की नज़र हर्षित के गले में पहनी एक माला पे पड़ती है। नंदनी कहती है, ये क्या है आपके गले में? हर्षित कहता है, ये हमारी माला है, ये हमारी दादी ने हमारे लिए बनवाई है। हर्षित वो माला निकाल कर नंदनी को दिखाता है। नंदनी कहती है, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है। हर्षित कहता है, तुम्हें ये अच्छी लगी? नंदनी जोर से सिर हिलाते हुए, हाँ बहुत अच्छी है। हर्षित कहता है, ठीक है ये तुम पहन लो। नंदनी कहती है, लेकिन ये तो आपकी है ना? हर्षित कहता है, कोई बात नहीं तुम पहन लो। नंदनी कहती है, हम इसे नहीं रख सकते अपने पास। हर्षित, क्यों नहीं रख सकती? एक काम करो, इसे अभी के लिए तुम पहन लो और कभी उतारना मत। जब मैं दोबारा तुमसे मिलूँगा तब मुझे वापस दे देना, ठीक है? नंदनी कहती है, ठीक है। हर्षित नंदनी को वो माला गले में पहना देता है। नंदनी और हर्षित थोड़ी देर और खेलते हैं, फिर हर्षित अपने घर चला जाता है। नंदनी ये देखकर थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर ये सोचकर खुश हो जाती है लेकिन फिर ये सोचकर खुश हो जाती है
कि हर्षित ने उससे दोबारा मिलने का वादा किया है, वो उसे फिर जल्दी ही मिलेगा। हर्षित नंदिनी के घर से चला गया था और उसे गए अब 1 महीना बीत गया था। नंदिनी अपने घर के आंगन में खेल रही थी, तभी उसे विक्रम दिखाई देता है जो दूसरी तरफ खेल रहा था। वो विक्रम के पास जाकर उसे अपने साथ खेलने को कहती है, पर वो मना कर देता है। नंदिनी अकेली ही खेलती रहती है कि तभी विक्रम उसे खेलने को बोलता है। ये सुनकर नंदिनी खुशी से उछल पड़ती है और उसके साथ खेलने लगती है। विक्रम आगे आगे भागता है और नंदिनी उसके पीछे। दोनों खेल ही रहे हैं कि विक्रम गिर जाता है और उसके माथे पे चोट लग जाती है। वो ज़ोर से रोने लगता है। घर के सभी लोग ये देखने आते हैं और उसकी हालत देख कर डर जाती हैं। विक्रम के माथे से खून बह रहा था। नंदिनी तो खून देख कर पसीना पसीना हो गई है। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, तभी विक्रम की माँ सुनंदा नंदिनी को घूरती हैं और बोलती हैं, क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? नंदिनी ये सुनकर और डर जाती है। नंदिनी कहती है, हमने कुछ नहीं किया माँ, हम दोनों तो खेल रहे थे, विक्रम तो गलती से गिरा। सुनंदा कहती है, चुप, मैंने तुझे बोला है ना कि विक्रम के साथ मत खेला कर, फिर क्यों आती है उसके पास? नंदिनी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सही कहा ना काकी? रानी काकी कहती हैं, जी मालकिन, वो बच्ची है, वो विक्रम को बहुत प्यार करती है, नंदिनी विक्रम को कैसे चोट पहुंचा सकती है? सुनंदा, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी वजह से ही ये इतना बोलने लगी है, आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। सुनंदा नंदिनी को ले जाती है और एक अंधेरे कमरे में छोड़ देती है। नंदिनी रोती रहती है पर सुनंदा उसकी एक नहीं सुनती। रानी काकी कहती हैं, मालकिन छोड़ दीजिए, वो बच्ची है, उसकी गलती नहीं है, उसे कमरे में बंद मत करो, वो डर जाएगी। सुनंदा कहती है, डरने दो, वैसे भी जिस दिन से ये इस घर में आई है तब से कुछ न कुछ अशुभ ही हो रहा है। पहले इसकी माँ मर गई और अब ये मेरे बेटे के पीछे पड़ी है, मरने दो, अगर मरती है तो कुछ तो शांति मिलेगी। रानी काकी गुस्से से कहती हैं, मालकिन कुछ तो सोच समझ कर बोलिए, नंदिनी छोटी बच्ची है, ऐसी बातों का क्या असर पड़ेगा उस पर, ये तो सोचिए। सुनंदा कहती है, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो कल से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको विक्रम के पिताजी के कारण इतने सालों से झेल रही हूँ, वरना अब तक तो तुम्हें घर से निकाल भी दिया होता। अब जाओ यहाँ से और इसकी मदद करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझी? रानी काकी ये सुनकर अपना मन मार कर वहाँ से चली जाती हैं। नंदिनी ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है कि तभी सुनंदा उसे पकड़कर वापस अंदर छोड़ देती है। नंदिनी रोते हुए कहती है, मुझे जाने दो माँ, मैंने कुछ नहीं किया। सुनंदा कहती है, चुप, अगर भागने की कोशिश की तो तुझे और तेरी रानी काकी को खाना भी नहीं मिलेगा, समझी? और अगर तेरे पिताजी से तूने शिकायत की तो मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तूने सोचा भी नहीं होगा। नंदिनी ये सुनकर डर जाती है। सुनंदा नंदिनी को कमरे में बंद कर देती है और बाहर से ताला लगा देती है। नंदिनी रोती चिल्लाती रह जाती है। शाम को नंदिनी के पिताजी राधे श्याम जी घर आते हैं और नंदिनी को आवाज़ लगाते हैं। सुनंदा ये सुनकर जल्दी से उस कमरे में जाती है जहाँ नंदिनी को उसने बंद करके रखा था। सुनंदा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है नंदिनी अभी भी धीरे धीरे रो रही थी। नंदिनी की हालत सुबह से रोने और कुछ खाने को ना मिलने के कारण काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। सुनंदा नंदिनी के पास जाकर बोलती है, सुन नंदिनी, तेरे पिताजी घर लौट आए हैं, वो तुझे बुला रहे हैं, खबरदार अगर तूने आज के बारे में कुछ भी बोला तो तुझे मैं रात का खाना भी नहीं दूंगी, समझी? सुनंदा की बातें सुनकर नंदिनी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। नंदिनी खाना ना मिलने की बात सुनकर डर जाती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। नंदिनी सुनंदा को देखकर मासूमियत से बोलती है, माँ ऐसा मत कहना, मैं पिताजी से कुछ नहीं कहूँगी, आप मुझे खाना दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है। सुनंदा बेपरवाह मन से कहती है, हाँ हाँ ठीक है, दे दूँगी, अब अपनी हालत सही कर और जा, तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं।
नंदनी धीमे कदमों से अपने पिताजी के पास जाती है। नंदनी को भूख के कारण चक्कर आ रहे थे। वो धीरे धीरे चलकर अपने पिताजी के पास पहुंचती है। राधे श्याम जी नंदनी को अपने पास बुलाकर बिठा लेते हैं। थोड़ी देर में वहाँ विक्रम भी आ जाता है। विक्रम के माथे पे पट्टी बंधी होती है, जो देखकर राधे श्याम जी घबरा जाते हैं और पूछते हैं, ये तुमको क्या हो गया विक्रम, ये तुम्हारे माथे पे चोट कैसे लगी। विक्रम कहता है, हम नंदनी दीदी की वजह से गिर गए और हमको चोट लग गई। नंदनी कहती है, नहीं हमने तुम्हें नहीं गिराया। राधे श्याम जी कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं कहते, नंदनी दीदी तुम्हें क्यों गिराएंगी। विक्रम कहता है, नहीं हमें नंदनी दीदी ने ही गिराया था, ऐसा माँ बोल रही थी। राधे श्याम जी सुनंदा की तरफ देखते हैं तो हड़बड़ा जाती है। सुनंदा कहती है, नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, वो तो नंदनी से विक्रम को धक्का लग गया था गलती से, हमने तो बस यही कहा था। नंदनी ये सुनकर चौंक जाती है। वो बड़ी बड़ी आँखें करके सुनंदा की तरफ देखती है तो सुनंदा उसे आँखें दिखाकर चुप रहने का इशारा करती है। नंदनी डर के मारी अपनी आँखें नीची कर लेती है। राधे श्याम जी कहते हैं, नंदनी आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही शैतानियाँ करने लगी हो, विक्रम तुमसे छोटा है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, अगर आइंदा ऐसी गलती हुई तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। नंदनी ये सुनकर दुखी हो जाती है। उसकी आँखों में फिर से आंसू आ जाते हैं पर वो उन्हें छुपा लेती है। सुनंदा ये देखकर मन ही मन खुश हो जाती है। थोड़ी देर में नंदनी अपने कमरे में आती है। वो सारी बातें फिर से सोचकर रोने लगती है। रानी काकी नंदनी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती हैं तो कुछ ऐसा देखती हैं जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। रानी काकी देखती हैं नंदनी जमीन पर मुंह के बल पड़ी थी। रानी काकी उसके ऊपर पानी के छींटे मारती हैं, तब जाकर नंदनी को होश आता है। ज़्यादा रोने और भूख के कारण नंदनी को चक्कर आ गए थे और वो बेहोश हो गई थी। नंदनी को बहुत तेज़ बुखार भी आ गया था। रानी काकी नंदनी को ठीक से बैठा देती हैं और नंदनी का सिर प्यार से सहलाने लगती हैं। नंदनी कहती है, आपको तो पता है ना काकी, हमने कुछ नहीं किया था विक्रम के साथ, हम तो बस खेल रहे थे, वो तो अपने आप ही गिर गया था। रानी काकी कहती हैं, हाँ बेटा हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया। नंदनी कहती है, फिर माँ ने हमें क्यों डांटा और पिताजी से भी डांट दिलवाई। रानी काकी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नंदनी कहती है, काकी हमारी माँ कौन है और वो कहाँ है। आज माँ बोल रही थी हमारी माँ मर गई है, इसका मतलब क्या सुनंदा माँ हमारी माँ नहीं है। रानी काकी कहती हैं, नहीं बेटा वो भी तुम्हारी माँ है। नंदनी कहती है, काकी मरना किसे कहते हैं। सुनंदा माँ ने कहा, मेरी माँ मर गई है तो बताओ मरना क्या होता है। रानी काकी कहती हैं, बेटा जब कोई भगवान जी के पास चला जाता है तो उसे मरना कहते हैं, तुम्हारी माँ भी भगवान जी के घर पर है। नंदनी कहती है, अच्छा अगर मेरी माँ भगवान जी के घर पर है तो मुझे भी भगवान जी के पास जाना है, मैं वहाँ माँ से मिलूँगी और सबकी शिकायत करूँगी, फिर देखना माँ सबकी पिटाई करेंगी। रानी काकी कहती हैं, चुप ऐसा नहीं बोलते हैं, दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। नंदनी मासूमियत से कहती है, आप डरो नहीं काकी, हम आपकी शिकायत नहीं करेंगे, आप तो हमारी सबसे अच्छी काकी हैं ना। रानी काकी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ ठीक है अब और बातें नहीं करना, चलो खाना खा लो। रानी काकी नंदनी को खाना खिला देती हैं, फिर वो नंदनी के लिए काढ़ा बना कर लाती हैं। नंदनी ये देख कर मुँह बना देती है। नंदनी कहती है, काकी हम ये काढ़ा नहीं पियेंगे, ये बहुत कड़वा होता है। रानी काकी कहती हैं, पीना तो पड़ेगा नहीं तो बुखार ठीक कैसे होगा, चलो जल्दी पियो। नंदनी कहती है, नहीं हम नहीं पियेंगे,
नंदनी ये कहकर कमरे में ही भागने लगती है। रानी काकी ये देखकर अपना माथा पीट लेती हैं, फिर वो भी नंदनी के पीछे काढ़ा लेकर दौड़ने लगती हैं। नंदनी हंसते हुए भाग रही थी। नंदनी को हंसते देख रानी काकी के चेहरे पे सुकून आ जाता है। वो थोड़ी देर में नंदनी को पकड़ लेती हैं। नंदनी कहती है, अरे आपने तो हमें पकड़ लिया, अब हम क्या करें, कैसे बचें आपसे। नंदनी ये कहकर मासूम सा मुंह बना देती है। रानी काकी को उसकी बातें सुनकर और उसका मुंह देखकर जोरों से हंसी आ जाती है। रानी काकी हंसते हुए कहती हैं, अब आप हमसे नहीं बच सकती, चलो अब ये काढ़ा पियो जल्दी से। नंदनी कहती है, नहीं हम नहीं पियेंगे। रानी काकी नंदनी को ज़बरदस्ती से काढ़ा पिला देती हैं। नंदनी का मुंह बन जाता है और वो गुस्से से काकी को घूरती है। रानी काकी को ये देखकर फिर हंसी आ जाती है। नंदनी ये देखकर और ज़्यादा चिढ़ जाती है। नंदनी कहती है, आप हम पर हंस रही हैं ना, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अब हम आपकी भी शिकायत करेंगे अपनी माँ से जब हम भगवान जी के घर जाएंगे। रानी कहती हैं, चुप, अब बहुत बातें हो गई, बहुत शैतानी कर ली आपने, चलो अब सो जाओ। रानी काकी नंदनी को अपनी गोद में लेकर सुला देती हैं। थोड़ी देर में नंदनी सो जाती है। काकी नंदनी को सही से बिस्तर पर सुला कर चादर से उड़ा देती हैं और उसके माथे को चूम लेती हैं। रानी काकी वही नंदनी के पास लेट जाती हैं और सोचती हैं, हे भगवान, इस बच्ची की रक्षा करना। ये नहीं जानती कि भगवान के पास जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते हैं। ये सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। थोड़ी देर सोचते हुए उनको भी नींद आ गई और वो वहीं सो गई। अगली सुबह रानी काकी नंदनी को उठाती हैं। नंदनी उठकर बैठ जाती है और एकदम से फिर से बिस्तर पर पड़ जाती है। रानी काकी ये देखकर हंस देती हैं। वो फिर से नंदनी को उठाने को बोलती हैं। रानी काकी कहती हैं, नंदनी बस बहुत हो गया, चलो अब जल्दी से उठ जाओ। नंदनी नींद में कहती है, हमें अभी और सोना है काकी, आप जाओ। तभी वहाँ नंदनी की सहेली राधिका आ जाती है। वो नंदनी को देखती है, फिर रानी काकी को। रानी काकी राधिका को इशारा करती हैं। राधिका ये देखकर समझ जाती है और मुस्कुरा देती है। राधिका कहती है, नंदनी उठ जाओ जल्दी, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नंदनी कोई जवाब नहीं देती। तभी राधिका नंदनी के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और नंदनी को गुदगुदी करने लगती है। नंदनी सोते सोते ही जोरों से हंस पड़ती है। नंदनी हंसते हुए कहती है, राधिका हमें छोड़ दो। राधिका कहती है, नहीं आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, अब हंसो और हंसो। राधिका ये बोलकर और ज़ोर से गुदगुदी करने लगती हैं, जिससे कमरे में नंदनी की हंसने की आवाज़ें गूंज उठती हैं। नंदनी हंसते हुए कहती है, बस करो, हम उठ रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है। राधिका नंदनी को छोड़कर उसके ऊपर से हट जाती है। रानी काकी उन दोनों को खेलते देखकर बहुत खुश थी। वो थोड़ी देर में कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही नंदनी राधिका की तरफ देखकर कुटिल मुस्कुरा देती है। राधिका ये देखकर वहां से भागने लगती है। राधिका भागते हुए कहती है, हमें माफ़ कर दो नंदनी, हमें तो रानी काकी ने बोला था गुदगुदी करने को। नंदनी राधिका के पीछे भागते हुए कहती है, अच्छा हमने तुम्हें रुकने को बोला था पर तुम नहीं रुकी, अब हम तुम्हें बताते हैं। नंदनी ये कहकर और जोर से राधिका के पीछे भागती है और थोड़ी देर में उसको पकड़ लेती है। नंदनी को दौड़ में कोई नहीं हरा सकता था, वो बहुत तेज़ भागती थी। राधिका कहती है, नंदनी हमें छोड़ दो, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। नंदनी कहती है, अच्छा बाद का तो पता नहीं पर अभी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नंदनी राधिका को ज़ोर से गुदगुदी करने लगती है और राधिका का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। दोनों हंसते मुस्कुराते खेलती हैं, क्योंकि एक राधिका ही थी जो रानी काकी के बाद नंदनी का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। नंदनी और राधिका भी धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। राधिका मन से थोड़ी शांत थी, पर बात जब नंदनी की आती तो उसके गुस्से के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था, चाहे वो नंदनी की सौतेली माँ,
सुनंदा ही क्यों ना हो, वहीं हमारी नंदनी मन से थोड़ी मासूम और बहुत शैतान थी। कई बार तो उसकी शैतानियों की सजा राधिका को झेलनी पड़ती थी, जिससे राधिका उसकी शैतानियों से बहुत परेशान हो जाती थी। राधिका के पिता की मृत्यु के बाद राधिका को भी राधे श्याम जी ने अपने घर पर ही रख लिया और नंदनी के साथ उसे भी बहुत प्यार करते। राधिका के परिवार में उसके पिताजी के सिवा कोई नहीं था, इसीलिए वो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद नंदनी के घर पर ही रहती थी। राधिका के आने के बाद सुनंदा ने नंदनी को परेशान करना थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि राधिका नंदनी के लिए उनसे लड़ने को भी तैयार हो जाती थी। 8 साल बाद राधिका कुछ बना ही रही होती है कि तभी नंदनी वहाँ आ जाती है। नंदनी राधिका को देख कर मुस्करा देती है, तभी उसे एक शैतानी सूझती है। वो धीमे कदमों से राधिका के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और फिर नंदनी कहती है, भो। राधिका बहुत ध्यान से अपना काम कर रही होती कि अचानक से नंदनी के डराने से वो हड़बड़ा जाती है और ज़ोर से चिल्ला देती है। अपने पीछे नंदनी को देख कर वो थोड़ी शांत होती कि उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वो देखती है कि नंदनी पेट पकड़कर हंसे जा रही थी और दूसरी तरफ रानी काकी दरवाजे पे खड़ी हंस रही थी, जो देखकर राधिका और चिढ़ जाती है। राधिका कहती है, नंदनी की बच्ची, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। ये कहकर राधिका नंदनी के पीछे भागती है। नंदनी ये देखकर रानी काकी के पीछे छिप जाती है। रानी काकी कहती हैं, अरे अरे नंदनी, ये क्या कर रही है, मैं गिर जाऊंगी। राधिका कहती हैं, काकी हटिए रास्ते से, आज मैं इस नंदनी को नहीं छोड़ूंगी। नंदनी कहती है, नहीं काकी, सामने से मत हटना। नंदनी ये कहकर रानी काकी को सामने की तरफ धक्का देकर भाग जाती है। धक्का लगने के कारण काकी सामने खड़ी राधिका से टकरा जाती हैं। राधिका रानी काकी को संभाल लेती है, फिर वो भी रानी काकी को एक तरफ करके नंदनी के पीछे दौड़ लगा देती है। रानी काकी ये देखकर अपना माथा पीट लेती हैं। रानी काकी कहती हैं, हे भगवान, ये दोनों किसी दिन हमारी जान लेकर ही मानेंगी। रानी काकी ये कहकर ऊपर की तरफ देखकर हाथ जोड़ देती हैं। इधर राधिका नंदनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही होती है, पर नंदनी उसके हाथ नहीं लगती है कि तभी नंदनी भागती हुई रसोई में घुस जाती है। राधिका भी उसके पीछे आ जाती है कि तभी नंदनी सुनंदा से टकरा जाती है, जो कि आटे से कुछ कर रही होती है, और नंदनी की उसके टकराने के कारण वो सारा आटा सुनंदा के ऊपर ही गिर जाता है, जो देखकर नंदनी और राधिका डर जाती है कि तभी किसी के ज़ोरों से हंसने की आवाज़ आने लगती है, तो देखती है कि विक्रम और राधे श्याम जी दरवाजे पे खड़े होकर सुनंदा की हालत पर पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। नंदनी और राधिका ये देखकर दोनों पहले सुनंदा को देखती हैं, जो भूत बनकर खड़ी थी, फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर ज़ोरों से हंस पड़ती हैं। नंदनी को हंसते देखकर गुस्से से लाल हो जाती हैं, पर वो इस समय कुछ नहीं कह सकती थी। सुनंदा मन में कहती है, हंस लो जितना हो सके, हमने भी अगर तेरी ये हंसी तो जिसे ना छीन ली ना, तो हमारा नाम भी सुनंदा नहीं। सुनंदा ये सोचते हुए नंदनी को घूरे जा रही थी, क्योंकि उसकी ये हालत नंदनी के कारण ही थी, जिसकी वजह से सब उस पर हंस रहे थे। खुद उनका बेटा विक्रम भी, जो सुनंदा से सहन नहीं हो रहा था, वो नंदनी को गुस्से से लाल आँखों से घूरे जा रही थी। 3 दिन बाद आज नंदनी का जन्मदिन होता है, जिस वजह से नंदनी बहुत खुश होती है। नंदनी को खुश देखकर राधिका और रानी काकी भी खुश थी। तभी उनको राधे श्याम जी की आवाज़ सुनाई देती है। नंदनी कहती है, पिताजी, आप विक्रम को लेकर कहाँ जा रहे हैं? राधे श्याम जी कहते हैं, हमारे गांव में मेला लगा है, तो हम और विक्रम वहीं जा रहे हैं। नंदनी चहकते हुए कहती है, मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगी मेले में, बहुत मज़ा आएगा, राधिका भी चलेगी हमारे साथ। राधे श्याम जी कहते हैं, नहीं नंदनी, तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पर ही रहो, समझी?
नंदनी कहती है, नहीं पिताजी, हमें भी जाना है आपके साथ। आप हमें कभी भी बाहर नहीं जाने देते। हमने अभी तक एक बार भी मेला नहीं देखा है। हमें भी जाना है। आज हमारा जन्मदिन भी है। आप हमें मना नहीं कर सकते। नंदनी ये बोलकर जिद करने लगती है। राधे श्याम जी कहते हैं, अच्छा ठीक है चलो। नंदनी ये सुनकर खुशी से उछल पड़ती है कि तभी वहाँ सुनंदा आ जाती है। सुनंदा कहती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पर ही रहो। राधे श्याम जी कहते हैं, जाने दो सुनंदा, वो जिद कर रही है। सुनंदा कहती है, ये बहुत ज़िद्दी होती जा रही है, इसे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब ये जवान हो चुकी है, ऐसी जवान लड़कियों का घर से बाहर जाना ठीक नहीं है, इसे घर पर ही रहने दो। सुनंदा की ये बात सुनकर राधे श्याम जी सहमति जताते हैं। नंदनी कहती है, नहीं हमें जाना है माँ, आपने हमें बचपन से कहीं भी नहीं जाने दिया, हमेशा घर पर ही रहे हैं, कभी विक्रम को तो आपने रोका ही नहीं। सुनंदा कहती है, देख लो इसको कितनी जुबान चलाने लगी है ये, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। राधे श्याम जी कहते हैं, नंदनी अपनी माँ से ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? तुम्हारी माँ सही कह रही हैं, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। हम मेले से आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ ले आएंगे। सुनंदा और राधे श्याम जी बातें सुनकर राधिका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वही नंदनी की आंखों में आंसू आ जाता है। राधिका गुस्से से कहती है, सही कह रही है नंदनी, जब वो छोटी थी तब उसे ये कहकर घर में रखा कि वो बच्ची है, और अब वो बड़ी हो गई है तब आप बोल रही हैं कि जवान लड़की घर से बाहर नहीं जाया करती, उसे बचपन से घर में ही कैद रखा है आपने, कम से कम अब तो उसे दुनिया देखने दीजिए। राधे श्याम जी चिल्ला कर कहते हैं, राधिका बस करो, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें छोटे बड़े का जरा भी ख्याल नहीं है क्या? यही सीखा है तुमने कि अपने बड़ों से इस तरह से बात की जाती है? राधिका कहती है, हम सच ही बोल रहे हैं पिताजी, और सच्चाई कड़वी होती है। आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। अपने ही घर में वो परायों की तरह रह रही हैं। राधिका ने इतना बोला ही था कि तड़ाक, ये आवाज़ थप्पड़ की थी जो राधिका को राधे श्याम जी ने मारा था। नंदनी तो ये देखकर डर गई, क्योंकि आज पहली बार नंदनी ने राधे श्याम जी को किसी के ऊपर हाथ उठाते देखा था। वहीं राधिका अपना मुंह झुकाए अवाक सी खड़ी रह गई। उसे राधे श्याम जी से ये उम्मीद तो नहीं थी। राधे श्याम जी गुस्से से कहते हैं, क्या यही दिन देखने के लिए तुझे मैंने अपनी बेटी मानकर अपने घर पे रखा था? तेरे पिताजी को मैं अपने बड़े भाई की तरह मानता था, कभी सोचा नहीं था कि उसने अपनी बेटी को इस तरह के संस्कार दिए होंगे। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने सोचा था कि तू अकेले कैसे रहेगी, इसीलिए मैंने तुझे अपने घर पर रखा, और आज तू हम पर उंगली उठा रही है। सही कहती थी सुनंदा, हमेशा तेरे आने के बाद ही नंदनी इतना बोलना सीख गई है, वो हम सब को जवाब देने लगी है, पर मैंने कभी ये बात मानी नहीं, पर आज पता चला कि वो सही बोलती थी। सुनंदा अपनी तरफदारी सुनकर मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राधे श्याम जी उसकी तरफदारी करेंगी। वहीं राधिका के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो अपनी नजरें झुकाए सब सुने जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नंदनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। राधे श्याम जी गुस्से से कहते हैं, हमने नहीं सोचा था कि कभी तुम हमसे इस तरह भी बात कर सकती हो। आज के बाद यदि तुमने ऐसा कुछ भी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, अब जाओ अपने कमरे में। राधिका ये सुनकर भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। नंदनी कहती है, पिताजी आपने राधिका को क्यों डांटा, उसने तो कुछ भी नहीं किया। सुनंदा ये सुनकर कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है, तू भी जा अपने कमरे में। नंदनी अपने पिताजी की ओर देखती है, पर वो उसे नज़रअंदाज करके विक्रम के साथ चले जाते हैं। नंदनी बहुत दुखी हो जाती है, वो भी रोते हुए कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर वो देखती है
कि राधिका रानी काकी से लिपट कर रो रही होती है। वो राधिका के पास आती हैं। नंदनी कहती है, रानी काकी, राधिका को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों रो रही है? रानी काकी कहती हैं, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। नंदनी मासूमियत से कहती हैं, नहीं, हमें पता है कि राधिका को पिताजी ने मारा और डांट दिया, इसीलिए वो रो रही है ना। राधिका, तुम चिंता मत करो, हम अपनी माँ से पिताजी और सुनंदा माँ की शिकायत जरूर करेंगी जब हम भगवान जी के पास जाएंगी। नंदनी की बातें सुनकर राधिका और रानी काकी दोनों चौंक जाती हैं। रानी काकी डांटते हुए कहती हैं, नंदनी, कितनी बार कहा है कि इस तरह की बात मत किया करो, ऐसी बातें नहीं करते हैं। नंदनी कहती है, क्यों नहीं करें, हम करेंगे, आप हमेशा ये बात टाल देती हो और हमें भगवान जी के घर का पता भी नहीं बताती, हमें बताओ, हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। नंदनी की बच्चों जैसी जिद सुनकर दोनों डर जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि नंदनी बहुत ज़िद्दी है और अब उसने ये नई जिद पकड़ ली थी अपनी माँ से मिलने की, जो कि संभव ही नहीं था, क्योंकि नंदनी की असली माँ तो नंदनी के बचपन में ही मर गई थी। नंदनी की बात सुनकर राधिका नंदनी को समझाती हैं। बहुत जिद करने के बाद नंदनी को राधिका बहला फुसला कर सुला देती है। उसके सोने के बाद राधिका की आँख में फिर से आंसू आ जाते हैं। रानी काकी कहती हैं, शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। राधिका रोते हुए कहती हैं, कैसे ठीक होगा काकी, हमने सच ही तो बोला था। नंदनी हमेशा से घर में कैद रही है, उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो सब उसका फ़ायदा उठाते रह जाएंगे और वो बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी। रानी काकी ये बात सुनकर चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि राधिका सही बोल रही थी, नंदनी बहुत नादान है। रानी काकी राधिका को शांत करा के उसे भी सुला देती हैं और वो कमरे के बाहर चली जाती हैं। इस बात से बेखबर कि कोई कमरे के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि सुनंदा ही थी, जो काफ़ी देर से बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। रानी काकी को देखकर वो दूसरी तरफ छिप जाती हैं और उनके जाने के बाद बाहर आती हैं और कुटिल मुस्कान के साथ अपने मन में कुछ सोचने लगती हैं। सुनंदा अपने मन में कहती हैं, हमने कहा था ना कि हम तुमसे तुम्हारी ये हंसी छीन लेंगे, अब देखना हम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हम इस राधिका नाम के कांटे को बाहर निकालेंगे, उसके बाद तुम्हारी बारी। सुनंदा ये सोचकर फिर से मुस्कुरा देती है और थोड़ी देर नंदनी को घूरती है, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोपहर के समय सुनंदा अचानक से शोर मचाने लगती है। वो कुछ चिंतित लग रही थी और इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी, तभी राधे श्याम जी उसे टोकते हैं। राधे श्याम जी कहते हैं, क्या कर रही हो सुनंदा तुम ये? सुनंदा कहती है, मेरे सोने के कड़े कहीं मिल नहीं रहे हैं, मुझे लगता है कि चोरी हो गए हैं। राधे श्याम जी कहते हैं, कैसी बात कर रही हो सुनंदा, घर में से कहाँ जाएंगे, कोई चोरी क्यों करेगा, चिंता मत करो, मिल जाएगा। सुनंदा कहती है, हमने रात को अपने पास ही रखे थे, फिर खुद सोचते हुए, एक मिनट, कल हमने राधिका को अपने कमरे में जाते हुए देखा था, शायद उसने कहीं रख दिया हो। राधे श्याम जी, तो तुम राधिका से ही पूछ लो, शायद उसे पता हो। राधे श्याम जी राधिका को बुला लेते हैं। राधिका चुपचाप खड़ी हो जाती है, तभी विक्रम वहाँ भागते हुए आ जाता है और उसकी तरफ सब देखते हैं। विक्रम सुनंदा के कड़े लेकर आ जाता है, तभी सुनंदा उससे पूछती हैं, ये कड़े उसे कहाँ मिले? विक्रम कहता है, माँ, हमें ये कड़े राधिका दीदी के कमरे में उनके कपड़ों के नीचे मिले थे। राधिका ये सुनकर घबरा जाती है, वो डर कर सबको देखती हैं कि तभी सुनंदा की बात सुनकर वो चौंक जाती हैं। सुनंदा कहती है, राधिका, क्या तुमने मेरे कड़े चुराए थे? राधिका कहती है, नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हमें नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आए। राधे श्याम जी कहते हैं, विक्रम, ये तुम क्या बोल रहे हो, ये राधिका के पास कैसे आ सकते हैं? विक्रम कहता है, पिताजी, हमने कल रात को राधिका दीदी को
अपने कपड़ों के नीचे कुछ रखते हुए देखा था। जब माँ ने कड़े ढूंढने को हमें बोला तो हम अंदाज़ा लगाकर राधिका दीदी के कमरे में चले गए और हमें ये वहाँ मिल गए। राधिका ये सुनकर डर जाती है और वो बोलती है, नहीं हमने कोई कड़े नहीं लिए थे, वो तो हम अपने कपड़ों को ठीक ढंग से रख रहे थे। सुनंदा कहती है, झूठ मत बोलो, अब पकड़ी गई तो बहाना बना रही हो। क्या तुम कल बिना बताए मेरे कमरे में नहीं गई थी, बोलो। राधिका कहती है, हाँ हम गए थे, पर राधिका ने इतना बोला ही था कि तभी थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। आज राधे श्याम जी ने राधिका को दूसरी बार थप्पड़ मारा था। राधिका से अब कुछ बोले नहीं बन रहा था, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि अब कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। राधे श्याम जी गुस्से से कहते हैं, बस अब बहुत हो चुका, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। कल तो हमने तुम्हें माफ़ कर दिया था, पर अब नहीं करेंगे। आज तुम्हारी इस हरकत ने हमें शर्मिंदा कर दिया है। आज के बाद हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, चली जाओ। राधिका ये सुनकर अपने कमरे में भाग जाती है और अपना सामान जमाने लगती है। आज वो कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि उसके ऊपर आज चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा था, जिसके बाद वो यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहती थी। नंदनी ये देखकर राधिका से पूछती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। नंदनी कहती है, बताओ ना राधिका, तुम कहाँ जा रही हो। राधिका कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ इतना बोलती है कि नंदनी अपना ध्यान रखना, और वो वहाँ से चली जाती है। नंदनी राधिका को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकती और हमेशा के लिए चली जाती है उस घर से। नंदनी रोते हुए अपने पिताजी से राधिका को रोकने को कहती है, पर वो कुछ नहीं कहते। रानी काकी का भी यही हाल होता है, वो रोते हुए मुश्किल से संभलती हैं। वो सब जानती थी कि राधिका के साथ क्या हुआ, पर नंदनी इस बात से अनजान होती है। विक्रम और सुनंदा ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये उन दोनों की ही साजिश थी जिसमें वो सफल हो चुके थे। और ये सोचकर वो दोनों मन ही मन बहुत हंसते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, मतलब कि पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसका दूसरा चैप्टर मैंने एकता हिंदी कहानी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग प्लीज़ सर्च करके एकता हिंदी कहानी पर इस कहानी का दूसरा चैप्टर सुन सकते हैं। साथ में मैंने इस कहानी के दूसरे चैप्टर का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके दूसरे चैप्टर को ज़रूर सुनें, और कम्युनिटी पर भी शेयर कर दिया है, वहाँ पर भी जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ इस कहानी के तीसरे चैप्टर के साथ। दूसरा चैप्टर आप हाथों हाथ सुन लीजिए फ्रेंड्स, नहीं आप लोगों से छूट जाएगा। चलिए फिर मिलती हूँ तीसरे चैप्टर के साथ, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और कहानी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।